सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो SCERT के निदेशक हैं डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया था कि जो 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं और जो 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। और यहाँ पर देखिए, आज के कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में लिखा क्या है। DLED 2017 के तीसरे एवं DLED 2018 के अलग अलग सेमेस्टर परीक्षा में फेल प्रशिक्षुओं की प्रमोट की मांग निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने नामंजूर कर दी है। निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 2017 एवं 2018 की परीक्षा फेल प्रशिक्षुओं को प्रमोट किए जाने की मांग किया जाना किसी भी दशा में ठीक नहीं है, किसी भी दशा में ठीक नहीं है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा फल जल्द घोषित करके जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में इन प्रशिक्षुओं की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं से कहा कि उनके दुष्प्रचार से माहौल खराब हो रहा है। यहाँ पर धरना देने वाले प्रशिक्षुओं के बारे में क्या कहा गया है, आप देखिए कि धरना कर रहे प्रशिक्षु क्या कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, DLED में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अब देनी होगी परीक्षा। अब आखिर में जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, जैसा कि ऑलरेडी मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों की परीक्षाएं कब होने वाली हैं। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के केंद्रों की सूची जारी हो गई है। और इसके अलावा केंद्रों की सूची जारी का पूरा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। इसके अलावा और भी दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं, उस दिशा निर्देशों में आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या वही सारी चीजें हैं या फिर कुछ भिन्न है, यानी कि क्या आप लोग के एग्जाम उतने ही टाइम से होंगे और आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है सेम वैसे ही आएंगे या फिर क्वेश्चन कुछ कम होंगे, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। इस दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने व 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED में उन प्रशिक्षुओं को राहत नहीं मिली है जो किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। ऐसे प्रशिक्षुओं को माह के अंत में शुरू हो रही परीक्षा देना होगा। यह जरूर है कि परीक्षा संस्था 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर का इम्तिहान जनवरी के 2021 के अंतिम सप्ताह में करा लेगी, यानी कि जो भी हमारे भाई बहन जिनका भी बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से, उनको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का एग्जाम देना होगा। और थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का एग्जाम देने के बाद जब वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे करके पास कर लेंगे, फिर उन्हें फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी देने को मिलेगा जनवरी के लास्ट वीक में 2021 में। अब देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से DLED प्रशिक्षुओं की कक्षोन्नति का लाभ दिया गया है। 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को पहले सेमेस्टर में कक्षोन्नति देकर दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जा रही है। इसमें मिलने वाले अंक पहले सेमेस्टर के माने जाएंगे। वहीं 2018 तृतीय सेमेस्टर में भी कक्षोन्नति दी गई है, लेकिन यह लाभ केवल उन्हीं प्रशिक्षुओं को मिला है जो प्रशिक्षु पहले व दूसरे सेमेस्टर में सभी विषयों में उत्तीर्ण है, बाकी को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। इसके अलावा 2017 बैच के वे प्रशिक्षु भी कक्षोन्नति पाने के आस लगाए थे जो पहले और दूसरे या फिर तीसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण थे। शासन के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अनुत्तीर्ण को कक्षोन्नति न देने का आदेश जारी किया था। इसके विरोध में लखनऊ में आंदोलन चला व शुक्रवार रात बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर लाठी चार्ज करना पड़ा। SCERT निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने शनिवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें कहा गया है कि DLED 2017 बैक पेपर की परीक्षा 30 अक्टूबर से और 2018 तृतीय सेमेस्टर की 2 नवंबर से और इसके अलावा 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 5-6-7 नवंबर को और DLED 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 नवंबर से कराई जाएंगी। इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि DLED 2018 बैच में
79,375 प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति दी गई है, जबकि 62,542 प्रशिक्षुओं को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। जबकि 62,542 प्रशिक्षुओं को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी, यानी कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं 62,542, इन सभी को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। निदेशक की ओर से कहा गया है कि इसी तरह से 2017 प्रथम, दूसरे व तीसरे सेमेस्टर में 21,220 प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और यह भी कहा गया है कि यदि बीटीसी 2013, 2014, 2015 में भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हैं, फिर वे भी कक्षोन्नति की मांग करेंगे। इसलिए अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी तय समय में हो रही परीक्षाओं में शामिल हों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हम क्लियर हो गई होंगी। आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपको अपनी एग्जाम की तैयारी सबसे अच्छी करनी है तो आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों के नोट्स मिलेंगे, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सभी विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज के कम्प्लीटली क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी विषयों की तैयारी हमने बहुत अच्छे से कराई है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सब पर हमने बहुत मेहनत की है और लगातार हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों के लिंक दे देते हैं। अगर आपको सभी विषयों की फ्री PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सभी विषयों की PDF बिल्कुल फ्री हम देंगे और सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।